दोस्तों, रोजाना आप शैम्पू, सोप, फेस क्रीम और भी कई कॉस्मेटिक क्रीम्स को यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि फैक्ट्रियों में फेयर एंड लवली कैसे बनती है, इन्हें बनाने में किन किन खतरनाक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले पाम फ्री ऑयल के लिए स्टेरिक एसिड लेंगे, फिर नेचुरल ऑयल मशीन में डालकर मिलाया जाता है। दूसरी तरफ ग्लिसरीन को लेकर मशीन में डालकर ऊपर से पानी डालने के बाद उसे मिक्स किया जाता है। फिर दोनों मिक्सचर को बहुत देर तक कम टेम्परेचर में मिलाया जाता है, फिर वो जाकर स्किन क्रीम बन पाती है और इसे पैक करके हमारे आसपास की दुकानों में भेजा जाता है। आप में से किस किस ने फेयर एंड लवली को डेली यूज में लगाया है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल पे बने रहें, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे इन मजेदार वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो का मजा लें।